आज भारत की मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बसेस की मांग भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है, जिसके कारण भारत के पास जितने भी इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अब नए ऑर्डर्स नहीं रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि पुराने कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। आपको बता दें, आज भारत दुनिया के 45 से भी ज्यादा देशों में बसेस एक्सपोर्ट करने का काम करता है। वहीं इलेक्ट्रिक बस एक्सपोर्ट के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। आज भारत चाइना के बाद करीबन 6,664 शिपमेंट के साथ में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस एक्सपोर्ट करता है, और मेजॉरिटी हमारी बसेस वियतनाम, यूएई, यूएस में एक्सपोर्ट की जाती हैं। जहां टॉप प्लेयर्स की बात की जाए तो पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी, इलेक्ट्रा ग्रेनटेक, स्विच मोबिलिटी, टाटा मोटर्स और जेबीएम का नाम गिना जाता है। वहीं एक और काफी बड़ी खबर सामने निकल के आई है पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी की तरफ से, जहां पर इन्होंने गोवा ट्रांसपोर्ट को करीबन 20 इलेक्ट्रिक बसेस ट्रांसफर की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कदम्बा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जुलाई 2023 तक करीबन 48 यानी 48 बसेस रोल आउट करनी है, ताकि गोवा के अंदर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी काफी बड़े स्केल पर प्रमोट की जा सके। बताया जा रहा है कि बनाई गई बसेस में 90-95% मिड इंडिया कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। यहां तक कि इन इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर ईयर सस्पेंशन, रियल टाइम नेविगेशन, सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन और कई प्रकार की आधुनिक सुख सुविधाएं इंस्टॉल की गई हैं। एक बार सिंगल चार्ज करने में करीबन 180 किलोमीटर की रेंज के साथ में इन बसेस को ऑपरेट किया जा सकता है। ये चलाई गई बसेस अगले 10 सालों में करीबन 13,000 टन कार्बन इमिशन को रोकने में मदद करेंगी। अगर इस कंपनी की खास बात बताई जाए तो कंपनी ने एक बहुत बड़े माइलस्टोन को कंप्लीट किया था, जिसे भारत में पहले किसी भी मैन्युफैक्चरर ने हासिल नहीं किया था। पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी की शुरुआत 2017 में की गई थी और कंपनी ने कुछ ही वक्त के अंदर 1000 इलेक्ट्रिक बस बनाकर के एक नए माइलस्टोन को कंप्लीट किया था। आज कंपनी करीबन 48.2 मिलियन रेवेन्यू स्टूड के साथ में ऑपरेट कर रही है। कंपनी का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में करीबन 900 करोड़ रुपए के रेवेन्यू को जनरेट किया जाए। और इसी चेन को मल्टीप्लाई करते हुए हम कैसे भूल सकते हैं अशोक लेलैंड की सब्सिडियरी कंपनी स्विच मोबिलिटी को। ये वो कंपनी है जिसने न सिर्फ भारत को डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसेस सौंपी है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कंपनी की इलेक्ट्रिक बसेस की डिमांड फ्रांस, जर्मनी, लंदन जैसे देशों में काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसकी वजह से अब कंपनी नए ऑर्डर्स नहीं रिसीव कर पा रही है। कंपनी को कुछ ही वक्त में अपनी सभी इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चर करके डिलीवर करनी है, ताकि फ्रेश ऑर्डर्स रिसीव किया जा सके। कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि स्विच मोबिलिटी भारत के अंदर भी अपनी कई और यूनिट सेटअप करने की तैयारी में है, ताकि ग्लोबल मार्केट में भारत दूसरे स्थान से पहले स्थान पर आ जाए बस एक्सपोर्ट करने के मामले में। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भारत इलेक्ट्रिक बसेस में इस्तेमाल किए जाने वाले व्हील से लेकर के पावर ट्रेन या फिर बैटरी, सभी चीजों को बनाने का काम धीरे धीरे शुरू कर रहा है, जिससे हम 100% मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बसेस को न सिर्फ अपने देश के लिए इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। फिलहाल इन सभी भारतीय कंपनियों के इस बड़े प्रयास के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।